नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ BSSC फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम से संबंधित संभावित काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में, ताकि जो एस्पायरेंट कैंडिडेट्स हैं उनको सहूलियत हो। विज्ञापन संख्या 0606114 से 13,120 वैकेंसीज के लिए एडवर्टीजमेंट निकला था और कुछ अपरिहार्य परिस्थितिवश जरूर विलंब हुआ, लेकिन अब सारी औपचारिकताएं जैसे टाइप टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट और फिजिकल टेस्ट संपन्न हो चुके हैं और कैंडिडेट्स बहुत बेसब्री से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सूचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें काउंसलिंग होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मैं कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए सलाह देना चाहूँगा कि जो सूचना निकले उसको अक्षरशः पढ़ेंगे आप, और उसमें जिस क्रम में जो भी कागजात आपको सजाना है उसको आप अपने फोल्डर में सजाएंगे। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक कैंडिडेट दो फोल्डर रखें, एक मूल कागजातों के लिए और एक जो छाया प्रति रहेंगी जो आपसे स्व अभिप्रमाणित कराकर आयोग लेगा, उनके लिए अलग फोल्डर आप रखें। प्रत्येक फोल्डर में लीफ होना चाहिए, ताकि प्रत्येक डॉक्यूमेंट को उसी लीफ में, ताकि जो काउंसलिंग टीम हो, काउंसलिंग टीम के सदस्यों को, पदाधिकारियों को कोई कठिनाई नहीं हो वेरिफिकेशन के समय में। जो संभावित जो कागजात की ज़रूरत होगी आपको, मैं ये ब्रीफ कर दूँ कि पहले भी जो भी काउंसलिंग वगैरह हुई है तो उसमें एक प्रपत्र को आया करता था। मैं नहीं कह सकता कि अब वो प्रपत्र है या नहीं, लेकिन वो प्रपत्र का बहुत ही अच्छा प्रपत्र है, जिसमें कैंडिडेट से संबंधित कभी करीब और परीक्षा से संबंधित सारी सूचनाएं उसमें 3 प्रतियों में भरी जाती रही हैं कैंडिडेट के द्वारा, और उनका अपना हस्ताक्षर होता रहा है। तो उनको आप निश्चित तौर पर जब ये रहे तो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे उस प्रपत्र को, और उसको आप फॉर्म फिलअप करके अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब मैं कहूँगा कि आप जो एप्लीकेशन आपने भरा होगा 2014 में या एक बार और 2016 में भी, कुछ जो कट ऑफ डेट अधिकतम आयु के संबंध में थी, तो आप डाउनलोडेड प्रति जो होगी फॉर्म की उसकी कॉपी आप अपने पास रखेंगे। PT एग्ज़ाम से संबंधित जो एडमिट कार्ड होगा उसे रखेंगे। मेन एग्ज़ाम से संबंधित जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उसकी डाउनलोडेड प्रति आप अपने पास रखेंगे। मेंस एग्ज़ाम से संबंधित एडमिट कार्ड भी रखेंगे। फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो आप रखेंगे। जन्मतिथि वेरिफिकेशन के लिए क्लास 10th का मूल प्रमाण पत्र आप रखेंगे, और साथ ही मूल अंक पत्र भी जो होगा 10th या समकक्ष जो भी है उसमें, वो आप रखेंगे अपने पास। उसके बाद इंटर या समकक्ष परीक्षा से संबंधित जो मूल प्रमाण पत्र होगा और मूल अंक पत्र होगा उसे आप रखेंगे। जिन कैंडिडेट के द्वारा टाइपिंग ऑप्ट किया गया है, वो मान्यता प्राप्त, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है उसमें आपने ट्रेनिंग ली होगी, तो उसका मूल प्रमाण पत्र आप रखेंगे। कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित जो आपने ऑप्ट किया होगा तो उसके लिए भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपके पास प्रमाण पत्र होंगे, उसे आप सुरक्षित रखेंगे। शॉर्ट हैंड जिन लोगों ने ऑप्ट किया है, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से जो आपने ट्रेनिंग ली होगी उसे भी आप अपने पास रखेंगे। SC ST EBC BC और जनरल सभी कैंडिडेट के लिए अस्थायी प्रमाण पत्र आपसे जरूर मांगा जाएगा, वो आप सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र अपने पास रखेंगे। SC ST EBC BC से जाति प्रमाण पत्र की भी मांग होगी, वो भी अपने पास आप सक्षम प्राधिकार से निर्गत आपके पास अवश्य होना चाहिए। और EBC और BC के कैंडिडेट के लिए निश्चित तौर पर सक्षम प्राधिकार से निर्गत नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास, OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अवश्य रहना चाहिए। जो और सक्षम प्राधिकार इन सभी कागजातों के लिए 2011 में बिहार सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के द्वारा अंचल अधिकारी को नामित किया है। बाद में अब तो जो भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है उसके लिए राजस्व पदाधिकारी
नामित किए गए हैं। जो दिव्यांग कैंडिडेट होंगे किसी भी श्रेणी के, वो कम से कम 40% दिव्यांगता का जो विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार बोर्ड के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जो एक सर्विस मैन वगैरह के लिए जो आपने दिया होगा, क्लेम किया होगा अगर, तो वो एक सर्विस मैन से संबंधित सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आप यदि सर्विस में कहीं पर हों तो हो सकता है कि आयोग निश्चित तौर पर NOC भी मांग सकता है, तो NOC आप जरूर रखेंगे। लेकिन मैं फिर कह दूं कि जो सूचना निकलेगी काउंसिलिंग की बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, उसका आप अक्षरशा पालन करेंगे। सारे कागजातों को एक फोल्डर में, मूल कागजात और कम से कम तीन चार पाँच रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य आप अपने पास रखेंगे, और मूल कागजातों को एक फोल्डर में और फोटो कॉपी सभी कागजातों का, मैं समझता हूँ कि कम से कम 3-4 कॉपी आपके पास अवश्य होनी चाहिए, जो काउंसलिंग टीम के समक्ष आपको स्वप्रमाणित करके तिथि के साथ हस्ताक्षर करना होगा। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद। जय हिंद। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें।